टर्मिनेटर डार्क फेट, ये टर्मिनेटर सीरीज की सिक्स्थ मूवी है। जो इस मूवी को डायरेक्ट किया है वो टिम मिलर, और जो इसके अंदर स्टारिंग है आर्नोल्ड, जिन्होंने द टर्मिनेटर का जो सेम जो मूवीज़ में निभाते आ रहे थे रोल, वही इन्होंने इसमें निभाया है। इनके अलावा है लिंडा हेल्टन, जिन्होंने सारा कॉर्नर का किरदार निभाया है, और मैकेंजी डेविश, जिन्होंने ग्रेस का किरदार निभाया है, और फिर है नटालिया, जिन्होंने डानी का किरदार निभाया है, और ब्रेट अजर, जिन्होंने T-800 का किरदार निभाया है, और इनके अलावा अन्य कलाकार। अब स्टोरी की बात करें तो स्टोरी के अंदर क्या है कि 2042 से दो रोबोट आते हैं, और वो जो हैं कि वो डानी यानी जिनको प्ले किया है नटालिया ने, वो एक उसको मारना चाहता है और एक उसको बचाना चाहता है। जो ग्रेस जो है वो एक हाइब्रिड रोबोट है, मतलब कि आधी ह्यूमन है आधी रोबोट है, जो ये डानी को बचाना चाहती है, और दूसरा जो है T-800 जो डानी को मारना चाहता है। अब ये मारना इसलिए चाहते हैं क्योंकि आने वाले टाइम में यानी फ्यूचर में जो डानी है वो एक लीडर के रूप में उभरने वाली है, जो इंसानों को इकट्ठा करेगी और इकट्ठा करके इन जो मशीन है इनके विरुद्ध वो इंसानों को लड़ाएगी, मतलब ये नेतृत्व करने वाली है। इनको मशीन को लगता है कि इसको भूतकाल में जाके यानी पास्ट में जाके इसको मार दिया जाए ताकि ऐसी सिचुएशन क्रिएट ही ना हो। तो इस मूवी के इस जो ये स्टोरी है इसके ऊपर घूमती है ये सारी की सारी जो मूवी। अब आप ध्यान से गौर करें तो जो टर्मिनेटर की जो फर्स्ट मूवी आई थी 1984 में, उसके अंदर भी ऐसी ही स्टोरी थी। उसमें एक लड़का था लेकिन इस स्टोरी के अंदर एक लड़की आ जाती है। मूवी का कॉन्सेप्ट भले ही 1984 की मूवी के जैसा, लेकिन इसके अंदर नई चीज़ क्या देखने को मिलता है, इसमें देखने को मिलता है कि जो वुमेन एम्पावरमेंट को मतलब बहुत ज़्यादा इसमें इम्प्रूव किया गया, यानी महिलाओं को दिखाया गया है कि वो कुछ भी कर सकती हैं इस मूवी के अंदर। मतलब जो मेन जो लीड रोल है, मतलब तीन जो महिलाओं का है यहाँ पे, वही जो है एक तो सारा कॉर्नर, ग्रेस और डानी, इन तीनों महिलाओं को ही इस मूवी में मतलब मेन किरदार दिखाया गया है। जैसे कि 1984 में जो टर्मिनेटर आई थी उसके अंदर एक जो रोबोट था वो कमज़ोर दिखाया जाता है, एक जो रोबोट है वो बहुत पावरफुल दिखाया जाता है। सेम कॉन्सेप्ट इस मूवी के अंदर भी है। एक रोबोट जो है वो जो डानी को बचाने आई है, यानी जो ग्रेस जो है वो कमज़ोर है, और जो डानी को मारने आया है T-800 वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है। अब वो इतना ज़्यादा स्ट्रोंग है ना उसको मारा जा सकता है, मतलब कुछ भी उसके ऊपर किसी चीज़ का असर नहीं हो सकता, वो किसी भी चीज़ का रूप ले सकता है। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें दिखाई गई है, और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी की मतलब कि हमारा जो शरीर है, हम हमारे शरीर से ये समझ लो कि हम अपना मांस एक अलग कर लेते हैं, उसका वो मांस एक रूप अलग ले लेता है और हमारी हड्डियां अलग अलग कर लेते हैं। तो एक जो ये चीज़ जो बनती है वो इसके अंदर दिखाई गई, देख के बड़ा मतलब एक नया कॉन्सेप्ट देखने को यहाँ पे मिल गया, जबरदस्त चीज़ मुझे लगी ये। T-800 इतना पावरफुल है कि उसको रोकना मतलब रोका ही नहीं जा सकता, ना उसको मारा जा सकता है, किसी चीज़ का उसके ऊपर असर नहीं हो रहा। अब आप सोचो कि एक ऐसी चीज़ जो आपके सामने खड़ी है कि जिसको रोक नहीं सकते, और जो आपको बचाने के लिए कोई आया हुआ है यार, उसके पास भी इतनी पावर नहीं है कि वो उससे लड़ सके, तो वो कैसे उस लड़की को बचाते हैं। हर जो सीन जो आएगा इसके अंदर, जब एक्शन की अगर साथ में बात करूं, मतलब स्टार्टिंग से मूवी को ले लो, इस स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक इस मूवी को में अंदर इतने भरपूर एक्शन है, आप अपनी उंगलियां अपने दांतों के नीचे चबाने लग जाएंगे कि आपका मन नहीं करेगा कि आप अपनी आंखें स्क्रीन से हटा सकें। इतना जबरदस्त एक्शन उस स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और जब ये जो स्टार्ट होने के बाद कुछ टाइम बाद मैं सोच रहा था कि कब आर्नोल्ड की एंट्री होगी, कब एंट्री होगी, जो टर्मिनेटर को मैं देखना चाहता था जो, तो वो एंट्री होती है लगभग कुछ एक हाफ में जाके, और उसके बाद जो मूवी का लेवल एक तल्ला और मतलब कि एक नेक्स्ट लेवल और चढ़ जाता है। इतनी जबरदस्त उसके अंदर एक्शन, देखो मुझे बहुत पसंद आई मूवी, मैं देख के मुझे खुश हो गई, इतने जबरदस्त एक्शन उसके अंदर। जब जब वो T-800 जैसे जैसे सामने आ रहा था, जैसे ग्रेस उसको बचाना, आर्नोल्ड कैसे उसको बचाएगा, कैसे उनके बीच में फाइट हो रही है,
हर एक सीन को इतना जबरदस्त दिखाया गया है, मतलब आप सोच नहीं सकते। हर चीज से लड़ाई, यानी आसमान में, पानी में, हर जगह लड़ाई दिखाई गई है उनके बीच की, और कैसे बचाएंगे। और लास्ट में जो सीन जो था, आर्नोल्ड T-800 को मारने के लिए खुद कैसे अपनी जान वहां पे दे देता है, ग्रेस अपने आप को कैसे वहां पे अपने आप को कुर्बान करती है, ये देखने वाली चीज होती है। कमाल की जो मूवी मुझे लगी। फाइटिंग सीन इतने जबरदस्त हैं, जो ग्राफिक्स है वो इतनी जबरदस्त है, नई जो टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजीज के अंदर दिखाने की कोशिश की, वो बहुत जबरदस्त है। यानी कुल मिला के आपका ये मूवी जो है, ये आपके पैसा पैसा वसूल मूवी है। आप देखने जाएंगे तो आप डेफिनेटली निराश होके नहीं निकलेंगे। अब जैसे स्टार्टिंग मैंने बताया, स्टोरी है कि ग्रेस डानी को बचाना चाहती है, T-800 जो डानी को मारना चाहता है, डेफिनेटली ग्रेस डानी को बचा लेगी और T-800 मारा जाएगा। लेकिन ये जो बीच की जो चीज है ना, ये कि कैसे उसको बचाती है, कैसे T-800 मारा जाता है, वो जो इसके ऊपर जो ये स्टोरी चलती है, वो बहुत जबरदस्त है। उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। वो आप जब देखोगे, जब आप उस मूवी को देखने जाओगे, तो खुद फील करोगे यार कितनी जबरदस्त मूवी है। मतलब आपके रिएक्शन वहां पे जबरदस्त होंगे। पर्सनली मुझे ये मूवी बहुत पसंद आई। देखो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैंने तो कहा मुझे बहुत पसंद आई। इसके अंदर एक्शन बहुत जबरदस्त है, कहानी तो वही पुरानी है, लेकिन उस कहानी को एक अलग ही ढंग से पेश किया गया है इसके अंदर। पहले एक लड़का था, उसको बचाना चाहते थे, लेकिन इस बार एक लड़की आ जाती है, उसको बचाना चाहते हैं। तो कहानी सिमिलर जैसी है। वुमन जो पावर है उसको आगे बढ़ाया गया है, उनको दिखाया गया है। ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद आया। सेकंड कि एक नई ऐसी टेक्नोलॉजी को कैसे खत्म किया जाता है, वो मुझे बहुत पसंद आई। यानी कुल मिला के तो भाई मुझे तो इतना खुश हुआ ये मूवी देख के। काफी टाइम से, जो लास्ट टाइम जो हाउसफुल 4 देखी थी, एक ये भूत गोस्ट ऐसी कुछ मूवी थी वो देखी थी भाई, जब वो मूवी देखी, एक वो लाल कप्तान देखी थी, तब से दिमाग ना भारी हो गया था। लेकिन अब टर्मिनेटर देख के खुश, मतलब चेहरे से ही खुशी झलक रही है मेरी। अब टर्मिनेटर ना, एक और चीज होती है इसके अंदर, टर्मिनेटर जो आर्नोल्ड है वो टर्मिनेटर होता है, खुद मशीन होता है, वो इस मूवी के अंदर अपनी फैमिली बनाते हैं। तो वो सारा कॉर्नर उसको कहती है फिजिकल रिलेशनशिप कैसे बनाए। तो टर्मिनेटर क्या, हर जरूरी चीज नहीं होती कि फिजिकल रिलेशनशिप ही बने, अंडरस्टैंडिंग भी होता है। मैं रिलायबल हूँ, मैं एक्सट्रीमली फनी हूँ, जिस ढंग से वो बोलते हैं, जैसे मैं रिलायबल हूँ, मैं एक्सट्रीमली फनी हूँ, वो एक चीज पे बड़ी हंसी आती है मुझे। कमाल की मूवी मुझे लगी। अगर आप लोगों ने देखी है तो आप बेशक मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये मूवी कैसी लगी, और जिन्होंने नहीं देखी तो वो प्लीज जाके देखो ये मूवी। वाकई में यार, जो लास्ट जो फ्राइडे जो गया था, आपको वो मूवी पसंद नहीं आई थी, ये मूवी उन सब की शिकायत आपको दूर कर देगी। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 8.5 out of 10 star। अगर आप लोगों ने देखी है तो प्लीज कमेंट करें, अगर नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखें। बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।